हर घर तिरंगा के तहत निकाली गई बाइक रैली। जी हां, बाराबंकी के पूरे डलई में आजादी के 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर देश पर कुर्बानी देने वाले शहीदों को याद करते हुए स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के अंतर्गत घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने को लेकर सैकड़ों बेसिक शिक्षकों, विकास खंड के कर्मचारियों द्वारा टिकैत नगर स्थित पीडी जैन इंटर कॉलेज से मोटरसाइकिल पर सवार होकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए तिरंगा लेकर रेवड़ा, अजय मऊ, बारिनबाग होते हुए विकास खंड परिसर में स्थित स्वतंत्रता सेनानी स्मारक पर पुष्पार्पण के साथ यात्रा का समापन हुआ। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख पुरेडलई रत्नेश कुमार सिंह, मिंटू सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में सम्मिलित खंड विकास अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि तिरंगा आजादी के अमृत महोत्सव में देश के प्रति विश्वास का प्रतीक है, इसलिए सभी से तिरंगा लगाने का आह्वान किया। खंड शिक्षा अधिकारी जैनेन्द्र कुमार ने कहा कि तिरंगा रैली के माध्यम से लोगों में देश प्रेम का जज्बा जागृत होगा, साथ ही उन्होंने घर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया। तिरंगा रैली का नेतृत्व खंड शिक्षा अधिकारी जैनेन्द्र कुमार ने किया। यात्रा निकाला गया है, इसमें शिक्षा विभाग का क्या उद्देश्य है, क्या सहयोग है? शिक्षा विभाग का उद्देश्य ये है कि हर घर में तिरंगा इस अभियान को सफल बनाना है, और जो शासन का उद्देश्य है, सरकार का उद्देश्य है, उस उद्देश्य के तहत हम लोग हर घर घर तक जो है तिरंगा को पहुंचा रहे हैं और इस अभियान को सफल बना रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में, पहले कार्यक्रम में हम लोगों ने मोटरसाइकिल यात्रा निकाला है जन जागरण और जन संदेश को पहुँचाने के लिए, जागरूकता के लिए। इसको हम लोगों ने टिकैत नगर से जो है यात्रा निकाली, और इस मोटरसाइकिल यात्रा में बेसिक शिक्षा परिवार के सभी हमारे सम्मानित शिक्षकगण एवं ब्लॉक के सभी कर्मी, वीडियो साहबान और हमारे ब्लॉक प्रमुख जी एवं हमारे पूरा जन समुदाय इसमें रहा है और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है।